मेरे कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया है कि टेक्निकल एनालिसिस, जो मैं एनालिसिस, करेंसी एनालिसिस डेली, वीकली ये सब करता हूँ, तो उन लोगों को बेसिक्स एबीसी भी पता नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि अगर मैं स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट से अगर टेक्निकल एनालिसिस चालू करूं तो उन लोगों को समझने के लिए सुविधा होगा। तो ये जो वीडियो सीरीज में बनाने वाला हूँ, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आज बना रहा हूँ मेरे सभी दो उन दोस्तों के लिए जिनको टेक्निकल एनालिसिस का एबीसी भी पता नहीं है, तो ताकि वो लोग स्क्रैच से, स्टार्ट पॉइंट से इसको समझ सके। तो टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए हमें कुछ कुछ बातें समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, ये है एक एलिफेंट एंड फाइव ब्लाइंड पीपल, यानी पांच ब्लाइंड पीपल जो है वो एक एलिफेंट को डिस्क्राइब करने का कोशिश कर रहा है। अभी मैं इसके बारे में फर्दर एट द एंड ऑफ द एनालिसिस में बताऊंगा इसका मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि आपका बेसिक्स ऑफ द फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिक्स ऑफ द जो टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ पे क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइस अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, वो जो प्राइस का अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या-क्या टूल्स अवेलेबल है, उसमें से एक टूल आपका होगा फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टूल होगा आपका टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा टूल होगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, एंड चौथा होता है कि टिप्स एंड रिकमेंडेशंस, यानी किसी ने आपको टिप्स दिया कि ये वाला शेयर खरीद लो, ये यहाँ पे खरीद लो, वहां तक जाएगा, या किसी ने रिकमेंडेशंस किया कि अरे यार ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल हम जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं उसमें ये किसी ना किसी सिस्टम को हम यूज करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा जानकारी लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली वो एनालिसिस है जहां पे एक स्टॉक का एक्चुअल प्राइस, रियल प्राइस या फेयर वेयर मार्केट वैल्यू समझने का कोशिश होता है। तो उस कोशिश में क्या होता है कि उसका सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, उसका पी रेशियोस क्या है, मींस काफी कुछ फैक्टर्स यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट फिगर्स, जीडीपी, उसके इन्फ्लेशंस, ऑल दिस थिंग्स, ये जितने भी चीजें हैं उसको भी हिसाब में रखा जाता है, प्लस वो पार्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन सा शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन सा लीडर है, कौन कौन सा लैगर है, वो भी देखा जाता है। ओवरऑल इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि अभी देखेंगे कि आपका रशिया यूक्रेन वॉर के लिए क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर के लिए मीन्स अमेरिका ने एंड यूरोपियन कंट्रीज में क्या किया, रशिया के ऊपर सेंक्शंस लगा दिया, तो उसके लिए क्या हो रहा है, ऑयल प्राइसेस में सप्लाई में काफी दिक्कतें आ रहा है, उसके कारण आपका जो ऑयल प्राइसेस जो 50-60 डॉलर पर बैरल था वो आपका 138 तक चला गया था, जो अभी है 117 118 में, दैट इज ए जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। उसके बाद आप देखेंगे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहा है, सिमिलरली हमारे इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, तो ये जो पॉलिसीज हैं ये पॉलिसीज भी शेयर प्राइस को इम्पेक्ट करता है। ऑल दिस कंसीडर्स द फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमी एनालिसिस किया जाता है, इंडस्ट्री का एनालिसिस किया जाता है, एंड कंपनी का एनालिसिस किया जाता है, यानी पहले कंपनी
ओवरऑल इकोनॉमी कैसा है, कंट्री एज ए होल, इंडिया एज ए होल कैसे परफॉर्म कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसा चल रहा है, उसके बाद इंडस्ट्री, मान लीजिए कि आईटी इंडस्ट्री या फार्मा सेक्टर्स या एफएमसीजी सेक्टर्स या बैंकिंग सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल उसका हेल्थ कैसा है, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटीज है नहीं है, नीचे आने का है या नहीं है। फिर स्पेसिफिक कंपनी का, जैसे बैंक का होगा तो एचडीएफसी बैंक कैसे परफॉर्म कर रहा है, स्टेट बैंक कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि इसमें उस पार्टिकुलर सेक्टर में पीयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, लैगर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस का गोल क्या होता है, ये गोल होता है कि सब कुछ एनालाइज करने के बाद कि इसका फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए। अभी मान लीजिए स्टेट बैंक का प्राइस है से 470 रुपीज, जिसका ओरिजिनल प्राइस शेयर प्राइस 10 रुपया का फेस वैल्यू है, तो ये 470 में चल रहा है तो कैसे चल रहा है। तो अभी ये जो फेयर वैल्यू इसका 470 होना चाहिए या कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, अगर ज्यादा होना चाहिए लेकिन अभी फिलहाल कम है तो ये अंडर वैल्यूड है, लेकिन कम होना चाहिए लेकिन काफी ज्यादा है अभी तो ये ओवर वैल्यूड है, यानी ओवर वैल्यूड होगा तो वहाँ पे सेलिंग इंटरेस्ट आ सकता है, अंडर वैल्यूड होगा तो वहाँ पे बाइंग आ सकता है। तो वो डिफरेंट फंडामेंटल रेशियोज बैलेंस शीट एनालिसिस करके एक डिसीशंस में अराइव करते हैं, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं। ये हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स में अंदर में घुसूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स में घुसेंगे तो नींद आना लाजमी है, और अगर एक बार नींद आ गया तो ये जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है, एक एनालिसिस मेथड जहाँ पे प्राइस को मेनली मीन्स उसका एनालिसिस किया जाता है, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है अलोंग विथ उसका वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होता है कि एक एजम्पशन होता है कि प्राइस रिपीट्स इट्स अर्लियर बिहेवियर, यानी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जैसे बोलते हैं वैसा ही पहले प्राइस कैसे बिहेव किया था, ये एजम्पशन किया जाता है कि आने वाले दिन में भी वैसा प्राइस बिहेव कर सकता है। तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस में मेनली क्या करते हैं कि प्राइस को और वॉल्यूम को एनालाइज किया जाता है। अभी अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के थोड़ा सा हल्का सा टच में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, जैसे हो गया आपका लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक चार्ट्स हो गए, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स हो गए, हाइकेनाशी हो गए, कागी हो गए, लाइन चार्ट हो गए, लाइन ब्रेक हो गए, रैंको हो गए, रेंज बार्स हो गए, यानी दुनिया भर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज करते हैं, जिसको जो जम गया उसी चार्ट पे वो एनालाइज करते हैं। किसी को अगर लाइन चार्ट से अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है तो वो लाइन चार्ट लेते हैं, किसी को बार चार्ट में ज्यादा क्लैरिटी मिलता है तो वो बार चार्ट लेते हैं, कोई कैंडलस्टिक चार्ट लेते हैं, कोई पॉइंट एंड फिगर चार्ट लेते हैं। कहने का मतलब कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, कोई कम अच्छा नहीं है, हमारे माइंडसेट के साथ, हमारे आंखों के साथ, हमारे अंडरस्टैंडिंग के साथ कौन सा ज्यादा क्लैरिटी देता है, उसी के बेसिस पे डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज करते हैं। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक टाइप ऑफ चार्ट्स को सीखना या जानना पड़ेगा, नो, इवन देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स जो सिर्फ कैंडल चार्ट देख के, प्राइस एक्शंस देख के, या लाइन चार्ट देख के, या बार चार्ट देख के, या कोई कोई सिर्फ वो जो प्राइस का जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, बीड ऑफ आर का फ्लक्चुएशंस, उसको देख के उनको पता चल जाता है कि अभी यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो
ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चार्ट में एक्सपर्ट होना है, थोड़ा सा जानकारी लेना है, उसके बाद जिसमें आपका अच्छा फील होता है उसी पार्टिकुलर चार्ट को आपको एनालाइज करना है। तो इसका ओरिजिन अगर हम देखेंगे तो ओरिजिन टेक्निकल एनालिसिस का चार्ल्स डाउ 1800s में, जिन्होंने इसके बारे में काफी काम किया है। इसीलिए जो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक है वो है डाउ थ्योरी, ये हर एक जगह पे यूज होता है। तो यहाँ पे कैंडल चार्ट का जो ओरिजिन है वो भी 1800 सेंचुरी में जापान में हुआ था। तो पहले ये जापान में ही यूज होता था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ये कैंडल स्टिक एनालिसिस के, कैंडल चार्ट एनालिसिस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तो पहला जो पर्सन है स्टीव निसन, इन्होंने क्या किया, जो जापानीज लैंग्वेज में ये कैंडल चार्ट एनालिसिस का किताबें थे उनको अंग्रेजी में अनुवाद किया। अनुवाद करने के बाद उन्होंने उसका स्टडी किया एंड उसके बाद उन्होंने खुद का किताब लिखा। ये किताब लिखने के बाद 1991 के बाद इन्होंने कैंडल चार्ट एनालिसिस को वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने पेश किया। उससे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड बार चार्ट को यूज करते थे। अभी देखेंगे कि लाइन चार्ट, अभी लाइन चार्ट क्या है कि सिंपल जो प्राइस है, मान लीजिए किसी का कभी प्राइस गया 3000 में, कभी आया आपका 2000 में, फिर आया 5750, फिर आया आपका 4750, फिर आया 7000, ऐसा करके प्राइस मूव हो रहा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिर्फ उस दो जो पॉइंट है कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाएंगे। तो जैसे ही एक लाइन बनाएंगे आपको ये एक आइडिया देगा। बेसिकली मान लीजिए मैं अगर बोलता हूँ एक चार्ट, उसका प्राइस पहले 1200 था, फिर 3000 गया, फिर 2000 में आया, फिर 6000 गया, फिर 4500 आया, फिर 7000 गया, फिर 9000 गया, फिर 10000 गया, फिर 6500 आया। तो ऐसा अगर हम डिजिट्स में बताएंगे, फिगर्स में बताएंगे, तो उसका एक क्लैरिटी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी जो डेटा को हम अगर लाइन से ज्वाइन करके एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो काफी एक क्लैरिटी आता है कि हम जो डाटा बताया अभी इसमें से आपको क्या देखिए, एक बेटर रिप्रेजेंटेशन आता है। ये प्राइस पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर थोड़ा सा नीचे डिप दिया, फिर ऊपर गया। तो एक विजुअल इम्प्रेशंस जो है उस शेयर के बारे में या उस करेंसी के बारे में एक कॉन्सेप्ट, एक क्लैरिटी आता है कि प्राइस ऐसे ऐसे मूव हुआ। ये हो गया आपका लाइन चार्ट। तो डाउ थ्योरी जो था वो लाइन चार्ट बना के पहले 1800 सेंचुरी में किए थे। उसके बाद आता है बार चार्ट। ये बार चार्ट जब तक कैंडल चार्ट एनालिसिस सर स्टीव निसन ने वेस्टर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया, उससे पहले तक बार चार्ट को ही वेस्टर्न वर्ल्ड यूज करते हैं। बार चार्ट में क्या कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट है। एक है ओपन, देन दूसरा है क्लोज, तीसरा है हाई एंड चौथा है लो। यानी मान लीजिए आज के दिन में स्टेट बैंक का प्राइस ओपन हुआ 460 रुपये में, लो मारा 450, हाई मारा 480 एंड क्लोज दिया 470। तो उसका जो चार कंपोनेंट है, यानी मान लीजिए ये 460 हो गया, ये हो गया 450, ये हो गया आपका 480 और ये हो गया आपका 470। यानी प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ तक मारा, उसके बाद हाई यहाँ पे मारा एंड फाइनली क्लोज यहाँ पे दिया। ये एक और थोड़ा बेटर रिप्रेजेंटेशन आया उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पे कंपोनेंट ये क्या हो गया, ये अगर देंगे
आपको ये क्लैरिटी आ जाएगा कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, लो यहाँ पे मारा, हाई यहाँ पे गया, फाइनली क्लोज यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि बार चार्ट में अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो प्राइस बाइंग ज्यादा हुआ है, अगर ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है तो सेलिंग ज्यादा हुआ। नेक्स्ट आते हैं आपका कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट में भी आपका चार फिगर को यूज किया जाता है, ओपन क्लोज हाई एंड लो। बार चार्ट में भी ओपन क्लोज हाई एंड लो यूज किया जाता है चार वैल्यू को, यहाँ पर भी चार वैल्यू को यूज किया जाता है। बार चार्ट में अगर ये टू डायमेंशनल फिगर लगता है तो यहाँ पे आपको थ्री डायमेंशनल फिगर लगता है। वही चार्ट जो यहाँ पे 460 में ओपन हुआ था, नीचे 450 तक गया था, फिर ऊपर में 480 तक गया एंड फाइनली 470 में क्लोज दिया। ओपन यहाँ पे था, क्लोज यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे यानी बाइंग ज्यादा हुआ। और उस बाइंग वाला कैंडल को हम बुल कैंडल बोलते हैं एंड उसको जनरली ग्रीन कलर से मार्क किया जाता है। अगर उसके जगह पे मान लीजिए ओपन ऊपर हुआ और क्लोज नीचे आया, यानी सेलर ज्यादा था, उसके लिए क्या हुआ, ये एक बियर कैंडल है और बियर कैंडल को जनरली रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कलर कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। रेड के जगह पे आप ब्लैक कर सकते हैं, ग्रीन के जगह पे आप व्हाइट कर सकते हैं, आपका चॉइस। तो ये हो गया कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट में चार कंपोनेंट यूज होते हैं, बार चार्ट में भी चार कंपोनेंट यूज होते हैं, ओपन लो हाई एंड क्लोज, और ओपन क्लोज लो एंड हाई। ये हो गया आपका कैंडल चार्ट। और भी डिफरेंट चार्ट्स जैसे पॉइंट एंड फिगर, हाई केनाशी, रेंको, ऑल दिस थिंग्स, ये हम आने वाले दिन में थोड़ा थोड़ा करके टच अप करेंगे जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। लेकिन हम जनरली कैंडल चार्ट एनालिसिस ही यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्राइस बिहेवियर। तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू कैंडल चार्ट एनालिसिस। अभी हम उसको एक्चुअल चार्ट में जाके देखेंगे। तो ये एक इक्विटी का डेली चार्ट है, यानी एक एक दिन में कैसे कैसे बिहेव हुआ है। अभी देखिए जहां जहां रेड कैंडल है, यानी उस दिन वहां पे सेलर ज्यादा था, जहां जहां ब्लू कैंडल है वहां वहां उस दिन बाइंग कैंडल था। हमने क्या बोला कि कैंडल चार्ट में आपको एक ओपन रहेगा, एक क्लोज रहेगा, एक हाई रहेगा, एक लो रहेगा। तो आपका यहाँ पे हो गया ओपन, यहाँ पे हो गया क्लोज, यहाँ पे हो गया हाई, और यहाँ पे हो गया लो। चार कंपोनेंट। ये अगर ओपन अगर नीचे है और क्लोज अगर ऊपर है तो बायर्स ज्यादा है, यानी स्टार्टिंग में 9:50 पे मान लीजिए स्टेट बैंक का शेयर 460 में ओपन दिया और 470 में क्लोज हुआ, यानी 10 रुपए का बढ़ोतरी हुआ, यानी ग्रीन कैंडल्स। उसके जगह पे अगर ठीक उसका उल्टा फिलहाल मैं कलर को अलग रखता हूं।
ओपन यहाँ पे आ गया। क्लोज यहाँ पे आ गया। हाई यहाँ पे हो गया, लो यहाँ पे आ गया। ये प्राइस है 470 में ओपन हुआ, ऊपर 480 तक गया, नीचे 450 तक ट्रेड हुआ, फाइनली 450 में क्लोज दे दिया। तो यानी कि ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे आया। तो इन सच ए केस इट इज ए बीआर कैंडल। जनरली बीआर कैंडल को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया आपका बुल कैंडल, ये हो गया बीआर कैंडल। बुल कैंडल में ओपन नीचे रहेगा, क्लोज ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल है आपका ग्रीन कैंडल, ओपन यहाँ पे था है, लो देखिए छोटा सा एक वीक है। क्लोज कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, और हाई हल्का सा देखिए एक छोटा सा वीक। सिमिलरली अगर आप ये वाला कैंडल देखोगे, इसका ओपन कहाँ पे हुआ, ओपन ऊपर हुआ यहाँ पे। उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम ये ऊपर थोड़ा सा गया, फिर नीचे आया एंड फाइनली क्लोज यहाँ पे दिया। यानी रेड कैंडल रिप्रेजेंट्स ओपन हाई हुआ एंड क्लोज नीचे हुआ। ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट्स ओपन नीचे हुआ एंड क्लोज ऊपर दिया है। दिस इज कैंडल चार्ट एनालिसिस। इसी कैंडल को अगर हम लाइन चार्ट करेंगे तो देखिए, यही जो आपका जो प्राइस जहां जहां क्लोज दिया उसी को पॉइंट का जोड़ के ये चार्ट को बनाया। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ये लाइन चार्ट हो गया। इसको अगर हम बार चार्ट करेंगे, ये बार हो गया। तो बार में भी अगर ग्रीन कलर है तो बुलिश बार, रेड कलर है तो बियरिश बार। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी चार कंपोनेंट है, लेफ्ट साइड वाला ओपन, राइट साइड वाला क्लोज, छोटा सा टिक है, और हाई एंड लो। ये देखिए लेफ्ट साइड वाला ओपन, राइट साइड वाला क्लोज, नीचे का लो, ऊपर का हाई। ये हो गया आपका बार चार्ट में। इसी को अगर हम कैंडल में डालेंगे तो ये कैंडल चार्ट। तो आपको लगता नहीं, ये जो लाइन चार्ट है लगता है कि डायनोसोरस के जमाने का कुछ, डायनोसोरस के जमाने का कुछ एनालिसिस। उसके बाद अगर हम बार चार्ट देंगे तो बार चार्ट में भी 2D वाला इफेक्ट, जैसे 2D एंड 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल वाला। इसी को अगर हम कैंडल में डालेंगे तो ये कैंडल में ये 3 डायमेंशन इम्पेक्ट आ चुका है। तो अभी वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते हुए ये जो बेसिक्स है यहाँ पर भी रखता हूँ। हाँ, लास्ट में मेरा एक स्टोरी है, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरा जो स्टोरी है, एक एलिफेंट एंड 5 ब्लाइंड पीपल, 5 अंधे लोगों को, लोगों ने कहीं पे जा रहे थे, मान लीजिए गार्डन में जा रहे थे तो अचानक एक हाथी आया। तो उन लोगों को, वो जन का अंधे थे तो उनको पता नहीं है हाथी कैसे होते हैं, कभी दे कांट इमेजिन। तो उन लोगों को क्या किया कि आप ये हाथी को टच करके, अंधे लोग जनरली क्या करते हैं, टच करके, फील करके, स्मेल लेके उसको किसी भी चीज को समझने का कोशिश करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे 5 लोगों ने हाथी का 5 पोर्शन को चेक किया। एक जो बंदा था वो पीछे में पूंछ को पकड़ा। तो व्हाट ही इज टेलिंग, एलिफेंट इज लाइक ए रोप। उसके बाद एक बंदे ने क्या किया, उसका पेट को पकड़ा। तो उसने, उसके हिसाब से हाथी क्या है, एक वॉल की तरह है, दीवार की तरह है। एक थर्ड वाला बंदे ने क्या किया, उसने
एक लेग को पकड़ा, यानी उसको लगा कि ये तो एक खंबे की तरह है या एक ट्री की तरह है, एक पिलर की तरह है। एक ने, चौथे ने क्या किया, उसने एलिफेंट के ट्रंक को पकड़ा यानी सूंड को पकड़ा, उसको लगा कि ये तो सांप जैसा है। और एक बंदे ने क्या किया, इसने आपका कान को पकड़ा तो उसको लगा ये जो हाथी है ये फैन की तरह है। यहाँ पे बेसिकली 6 ब्लाइंड पीपल हैं, तो जनरली जो आपका मेन स्टोरी का अंडरस्टैंडिंग में आप 5 को ही पकड़िए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है, जो बंदा बोल रहा है कि हाथी रस्सी की तरह है, इजी रॉन्ग, या जिसने बोल रहा है कि हाथी ट्री की तरह है, इजी रॉन्ग, या जिसने बोल रहा है कि हाथी इज लाइक ए वॉल, इजी रॉन्ग, जिसने बोल रहा है कि हाथी इज लाइक ए फैन, पंखे की तरह, इजी रॉन्ग, या किसी ने उस ट्रंक को पकड़ के बोला कि हाथी एलिफेंट इज लाइक एन स्नेक, इज ही रॉन्ग, या यहाँ पे 6th बंदा जो है उसने वो आपका दांत को पकड़ा और बोलता है कि इट्स लाइक स्पियर या तलवार, कोई गलत है क्या आपके हिसाब से? नहीं है ना, लेकिन देखने का, हर एक का देखने का नजरिया, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, लेकिन हर कोई अपने अपने एरिया पे सही है। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी वैसा ही है, कोई अगर 5 मिनट का चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेगा तो उसको छोटा सा एक पीस मिलेगा, कोई अगर 1 घंटे के चार्ट को कैंडल को हिसाब में लेके कैलकुलेशन करेगा तो उसका एक एनालिसिस होगा, कोई अगर डेली चार्ट को लेके एनालिसिस करेगा तो उसका एनालिसिस अलग होगा, कोई अगर वीकली लेके एनालिसिस करेगा उसका एनालिसिस अलग होगा, लेकिन सभी का चीज वही है। कोई 5 मिनट के पर्सपेक्टिव में बोल रहा है कि नहीं अभी प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कोई 1 घंटे के पर्सपेक्टिव में बोल रहा है कि नहीं अभी प्राइस साइडवेज रहेगा, कोई मंथली पर्सपेक्टिव में बोल रहा है नहीं अभी तो यहाँ से ये और भी ऊपर जाएगा। यानी ये जो एनालिसिस है, जब मैं एक एनालिसिस करूंगा, आप एक एनालिसिस करोगे, तब हमें ये समझना चाहिए कि अपना पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव। हम लोग जनरली बोलते हैं कि नहीं मैं ही सही हूं बाकी सब गलत है, ये नहीं है, यहाँ पे हर कोई सही है, जो 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर रहा है वो भी सही है, जो 1 घंटे का चार्ट को एनालिसिस कर गया वो भी सही है। यहाँ पे कहने का मतलब, टेक्निकल एनालिसिस से हम एक एजम्पशन करने का कोशिश कर रहे हैं, एक बड़े हाथी को हम एक समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे दिखता है, और उसी प्रोसेस में जिसको पूंछ का पार्ट आ गया उसको छोटा रस्सी की तरह लगेगा, जिसको जो पेट वाला पार्ट आ गया हाथ में वो बोलेगा नहीं ये तो बहुत दीवार की तरह है। यानी यहाँ पे जितना मुंह उतने एनालिसिस, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, एवरीबॉडी ईच एंड एवरी पर्सन आर करेक्ट, सिर्फ सबका पर्सपेक्टिव अलग है, सबका टाइम फ्रेम अलग है। तो इसी डिस्कशन के साथ फर्स्ट पार्ट ऑफ द बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, और आने वाले दिन में धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस करूंगा। आप लोग रेगुलर बेसिस में ये वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए ताकि जब मैं और भी वीडियोस को ऐड करता रहूंगा कोई पाइल अप ना हो, यानी बैकलॉग ना हो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।